नमस्कार, आप देख रहे हैं अंधेशक न्यूज। अंधेशक न्यूज आपके संघर्ष का साथी, जो रखे आपको हर पल हर खबर से अपडेट। अंधेशक और शिक्षा मित्रों की तरह अब शिक्षा प्रेरक भी कोर्ट की शरण गए हैं। मानदेय की लड़ाई में यूपी सरकार से जारी है उनका संघर्ष। अंधेशक और शिक्षा मित्रों की तरह शिक्षा प्रेरकों को नहीं मिला है उनका बाजी भाग, यानी कि 38 माह से उनका मानदेय नहीं मिला है, जिसके लिए अब वो कोर्ट की शरण चले गए हैं। साक्षर भारत मिशन के तहत संविदा पर रखे गए देश भर के 1,00,000 शिक्षा प्रेरकों के हाई कोर्ट पहुंचने से सरकार में खलबली मच गई है। जी हां साथियों, शिक्षा प्रेरक हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। मानदेय की लड़ाई हाई कोर्ट से अब वो जारी रखेंगे। लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की है शिक्षा प्रेरकों ने। आपको बताना चाहेंगे, सरकार की ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल करने से पहले निदेशक ने पूछा कि योजना के तहत कितने निरक्षरों को चिन्हित किया गया और कितने चिन्हित व्यक्तियों को साक्षर किया गया। साथ ही शिक्षा प्रेरकों के कार्यों की सत्यापित रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार ने 2009-10 में यह योजना शुरू की थी। यूपी के कुछ ज़िलों में 2011-12 और प्रयागराज में 2013-14 सत्र से यहाँ योजना चालू ही। इसके तहत लखनऊ, कानपुर नगर, औरैया, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद को छोड़कर 49,921 लोक शिक्षा केंद्रों पर 2,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर 99,482 शिक्षा प्रेरक संविदा पर तैनात किए गए थे। हालांकि 31 मार्च 2018 को योजना बंद कर दी गई, लेकिन इनका अब तक का मानदेय नहीं दिया गया। यानी कि जो कार्य इनसे लिया गया था लगातार 38 माह तक, उसका सरकार ने मानदेय नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इसके लिए कोर्ट चले गए हैं शिक्षा प्रेरक। कई ज़िलों में शिक्षा प्रेरकों को अगस्त 2014 से मार्च 2018 तक 43 महीने में भी नहीं मिला मानदेय। एक महीने का मानदेय भी नहीं मिला इनको, यानी कि 38 महीने का मानदेय नहीं मिला था। शिक्षा प्रेरक से BLO से लेकर हाउस होल्ड सर्वे और अन्य सरकारी योजनाओं में भी काम लिया गया है, लेकिन मानदेय नहीं दिया गया। ये कैसा व्यवहार किया जा रहा है इन शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र और इन शिक्षा प्रेरकों से, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अपने वाजिब हक की लड़ाई लड़ते हुए अनुदेशक शिक्षा मित्र अपने मानदेय को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको उनका वाजिब हक दिया जाए, उनको मेहनत का फल मिले, लेकिन सरकार के कान पर जूं क्यों नहीं रेंग रही है। ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है, बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बताना चाहें, मानदेय को लेकर कई अंधेशक और शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं, जो कि एक अत्यंत दुखद बात है इस प्रदेश के लिए, सरकार के लिए, विभाग के लिए, कि उनको कोर्ट द्वारा जारी किया गया, आदेशित किया गया मानदेय नहीं दिया गया। जैसे अंधेशक को 17,000 रुपये मानदेय आज तक नहीं मिल पाया है। अब मामला डबल बेंच में, बहुप्रतीक्षित मामला ये डबल बेंच, रिजर्व कर लिया गया है, सुरक्षित रख लिया है, लेकिन अभी तक आदेश नहीं आया है। तो साथियों, ये थी अब तक की खास खबर। पर देखते रहिए अंधेशक न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ चैनल पर। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।